हेलो गाइस, माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। विराट क्लासेस से मैं निरंजन सर आज बहुत दिनों बाद आप लोग के बीच मानव जनन के अर्थात ह्यूमन रिप्रोडक्शन के भाग 5 लेकर के आए हैं। कुछ दिन वीडियो बनाना स्थगित कर दिए थे, लेकिन कुछ बच्चे का कमेंट्स आया कि सर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, यदि आपका वीडियो देखते हैं तो घर पे बैठकर भी कुछ सीख मिलती है। इसलिए सर आपसे निवेदन है कि आप वीडियो बनाइए। तो मैं उन सारे बच्चे की बातों को सुनकर फिर से वीडियो बनाना चालू किया हूँ। मैं भी आप लोग से गुजारिश करूँगा कि जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ वो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपको विराट क्लासेस के नाम से फेसबुक पेज भी बना हुआ है, उसको भी फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, तब हमारा भी हौसला बढ़ा रहेगा। यदि अगर आप लोग की कोई त्रुटि लगता हो कि आवाज़ में परेशानी है या समझ में नहीं आता है, सर थोड़ा ढंग से और बताइए, या कोई भी तकलीफ़ होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके कमेंट्स को पढ़ करके हम कोशिश करेंगे कि जो त्रुटि है उसे मैं सुधार कर सकूं। इसके लिए आप हमेशा हमें सेवा देने का मौका दें, सेवा देने से हम पीछे नहीं हटेंगे। जहाँ तक हो सके वहाँ तक मैं कोशिश करूँगा। तो आइए, आज हम लेकर के आए हैं अध्याय 3, बायोलॉजी 12th का अध्याय 3, मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का भाग 5 लेकर के आए हैं बच्चों। जो 4, 3, 2, 1 नहीं देखे होंगे वो वीडियो में प्लेलिस्ट से जाकर देख लें, उसमें भाग 1, भाग 2, भाग 3 इसका डाला हुआ है मानव जनन का, है नहीं? तो आइए जानते हैं आज का जो टॉपिक है बच्चों, मादा जनन तंत्र। मानव जनन में मादा जनन तंत्र पढ़ना है, क्योंकि मनुष्य जो होते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि एक मादा होते हैं और दूसरा क्या होते हैं, नर होते हैं। तो नर जनन तंत्र के बारे में आप पढ़ चुके हैं भाग 1, भाग 2, भाग 3 में, भाग 4 तक। आज हम लोग जानेंगे मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जानेंगे। क्या जानेंगे बच्चों? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मतलब होता है, ये सिस्टम के अर्थ यानी तंत्र के अर्थ होता है कि कई अंग मिल करके तब जा करके एक तंत्र का निर्माण होता है। ऐसे आप बेसिकली 9th क्लास में और 11th क्लास में एक सेल चैप्टर था, उसमें पढ़े होंगे कि हम लोग के जो शरीर होता है, शरीर के सबसे छोटी इकाई यानी सजीव के सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, कोशिका का समूह मिलकर के ऊतक बनाता है और ऊतक मिलकर अंग बनाता है और अंग मिलकर के तंत्र का निर्माण करता है। तो आज हम लोग मादा जनन तंत्र पढ़ने वाले हैं। तो ये जो तंत्र लगा हुआ है बच्चों, यार मतलब कि तंत्र कई अंग से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से अंग हैं मादा जनन तंत्र के अंतर्गत में वो देख लेंगे। एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय अर्थात वन पेयर ऑफ ओवरी यानी एक जोड़ी अंडाशय और एक जोड़ी अंडवाहिनी, कह सकते हैं आप कि ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, यानी वन पेयर ऑफ फैलोपियन नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब। गर्भाशय या बच्चादानी, आप या तो गर्भाशय बोल सकते हैं या बच्चादानी बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसको यूटेरस बोलते हैं या फिर बोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूटेरस बोलिए या फिर बोम बोल सकते हैं। गर्भाशय ग्रीवा, जिसको आप सर्विक्स बोलते हैं, योनि वेजाइना बोलते हैं, बाह्य जननेन्द्रियाँ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक जोड़ी अस्तन ग्रंथियाँ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथियाँ पेयर ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड्स। बच्चों कह सकते हैं कि इन सभी अंग जब मिलते हैं यानी अंडाशय, अंडवाहिनी नली, गर्भाशय ग्रीवा, योनि,
बाह्य जननेन्द्रियाँ, अस्तर ग्रंथि और बारथोली ग्रंथि, ये मिलती है बच्चों, तब जाकर के एक तंत्र का निर्माण होता है। यह तंत्र का नाम मादा जनन तंत्र है। देखिए कई अंगों का मिलन है, हम बताए थे कि जब बहुत सारे अंग मिलेंगे तब तंत्र का निर्माण होता है। आप समझते कि सिस्टम तब होती है जब उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे अंग मिलेंगे तब जाकर के तंत्र का निर्माण होगा। उसी प्रकार से मादा जनन तंत्र की कैसे परिभाषा देंगे, कहेंगे अंडाशय, अंडवाहिनी नली, वस्त्रदानी यानी गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि और बाह्य जननेन्द्रियाँ, अस्तर ग्रंथि, बारथोली ग्रंथि मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करता है। उस तंत्र को हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा जनन तंत्र के नाम से जानते हैं। आइए इसमें ये जो डायग्राम है देखिए बच्चों, आप लोग को हम बताने के लिए थोड़ा मेहनत करके टूटी फूटी लैंग्वेज में, जैसे जो भी मेरे पास में लैंग्वेज, वो लैंग्वेज से बताने का काम करते हैं और डायग्राम भी थोड़ा मेहनत करके बनाते हैं। यदि अगर डायग्राम अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर आप हमारे लिए एक शब्द लिखें कि जिससे हमें और खुशी हो। यदि अगर बुरा भी लगता है डायग्राम तो और बताइए कि सर और कोशिश कीजिए बनाने के लिए। मैं आप लोग के लिए तात्पर्य हमेशा रहूँगा। ऐसे ऑफलाइन क्लास देते हैं, आप लोग यदि चाहोगे तो शाम को कुछ समय निकाल करके और ये ऑनलाइन पे ही वीडियो बनाएंगे कि ताकि आप लोग के लाभ हो और हमें भी कुछ कुछ लाभ हो सके। चलिए बच्चों देखते हैं इस ये जो डायग्राम बनाए हैं, इस डायग्राम में कहाँ पे अंडवाहिनी नली है, कहाँ गर्भाशय है, कहाँ अंडाशय है, कहाँ पे बारथोली ग्रंथियाँ हैं, ये सब कुछ चर्चा करते हैं, है ना। देखिए एक जोड़ी अंडाशय, अंडाशय ये गोलाकार भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये देख रहे हैं अंडाशय है क्या ही, अंडाशय एक दो, कै गो अंडाशय है, दो अंडाशय है, यानी कह सकते हैं कि वन पेयर ऑफ ओवरी, अंडाशय की संख्या एक और एक ये है ना, ये भी अंडाशय है ना, अंडाशय है। तो माइंड में बैठा लीजिए, है ना, माइंड में बैठा लीजिए, एक जोड़ी अंडाशय है, एक जोड़ी अंडवाहिनी जिसको आप फैलोपियन ट्यूब बोल सकते हैं, देखिए यही अंडवाहिनी नली है, क्या है, अंडवाहिनी नली, अंडवाहिनी नली, इसे हम फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं। एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये भी जो है अंडवाहिनी नली है। बच्चों ये देख सकते हैं, ये संरचना आपको जो दिखाई दे रहा है, ये बीच का संरचना, ये है गर्भाशय, ये क्या है, गर्भाशय है, गर्भाशय या वस्त्रदानी, इसकी संख्या एक होती है। अब है गर्भाशय ग्रीवा, ये जो हरा वाला भाग दिखाई दे रहा है ना, यहाँ तक ये है गर्भाशय ग्रीवा, ये क्या है, गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा है। योनि, ये यहाँ से ये वाला जो संरचना है इसको बोलेंगे योनि, क्या बोलेंगे, योनि बोलेंगे। अच्छा भेजाइना, वाह जननेन्द्रियाँ यहीं के आसपास में होता है और अस्तन ग्रंथि भी होता है, बारथोली ग्रंथि भी होता है। जब इसको डायग्राम बारी बारी से जब सभी पॉइंट को समझाएंगे तो आपको सारे पॉइंट बताएंगे। चलिए देखिए फिर से आइए, मादा जनन तंत्र के कौन कौन से अंग हैं, मादा जनन तंत्र में कौन कौन अंग आते हैं, इसको कंप्लीट कर लेंगे एक बार, है ना। देखेंगे, देख रहे हैं कि मादा जनन तंत्र में अंडाशय की संख्या क्या है बच्चों, दो यानी वन पेयर। फिर है अंडवाहिनी नली की संख्या क्या है, दो यानी वन पेयर। और इसके बाद गर्भाशय की संख्या क्या है, एक है, जिसको आप कहते हैं गर्भाशय यूटेरस बोलते हैं। और गर्भाशय ग्रीवा है, गर्भाशय ग्रीवा के नीचे योनि है, और योनि यही आसपास में आपको बताया कि बाह्य जननेन्द्रिय होते हैं और अस्तन ग्रंथि होते हैं, बारथोली ग्रंथि अरे ग्रंथियाँ होते हैं। सबको बारी बारी से जब आप लोग समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए बच्चों ये जो अंडाशय है, अंडाशय इस प्रकार से है, अंडाशय की जो लंबाई होती है वो दो से चार सेंटीमीटर का होता है, दो से चार सेंटीमीटर का होता है, और जो चौड़ाई है ये दो सेंटीमीटर का होता है ना, चौड़ाई कितना सेंटीमीटर, दो सेंटीमीटर, और इसका जो मोटाई है एक सेंटीमीटर होता है। मोटाई कितना होता है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। देखिए इस जो अंडाशय है, अंडाशय की लंबाई कितना, दो से चार सेंटीमीटर,
चौड़ाई कितना 2 सेंटीमीटर, इसका मोटाई कितना 1 सेंटीमीटर, है ना। ये अंडाशय के हम बता दिए संरचना बनावट जो है उसमें देख रहे हैं कि अंडाशय लंबा होता है 2 से 4 सेंटीमीटर का, चौड़ा होता है 2 सेंटीमीटर का, और इसकी जो मोटाई होती है वो होता है 1 सेंटीमीटर का, है ना। देखिए ना अंडाशय जो है ये गर्भाशय से एक ये जो बुल्लू हम कलर से दिखाए हैं ये एक संरचना से जुड़ा हुआ है। कोई पूछे कि अंडाशय गर्भाशय से किसके माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है, अंडाशय गर्भाशय से किसके मदद से जुड़ा हुआ रहता है इसके बारे में हमें बताइए, तो आप साफ साफ कहिएगा इसका नाम है अंडाशयी शन्यायु। अंडाशयी ये जो है ना ये संरचना कहते हैं अंडाशयी शन्यायु, शन्यायु शन्यायु इंग्लिश से बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट्स, ओवेरियन लिगामेंट्स, ओवेरियन लिगामेंट्स। याद रखना है कि ओवेरियन लिगामेंट्स के द्वारा गर्भाशय से अंडाशय जुड़ा हुआ रहता है। कोई पूछे कि गर्भाशय से अंडाशय जो है किसके माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है, तो अंडाशयी शन्यायु या फिर ओवेरियन लिगामेंट्स के द्वारा। अब कोई पूछे कि अंडाशय जो है, पहले तो आप देख रहे हैं कि अंडाशय ही है प्राथमिक जनन अंग है, मादा जनन तंत्र के सबसे प्राइमरी ऑर्गन्स कौन है, मादा जनन तंत्र के सबसे प्राइमरी ऑर्गन्स कौन है, अंडाशय है। मादा जनन तंत्र के सबसे प्राइमरी यानी प्रथम, बच्चों इसके पहले जो हम बनाए हैं पार्ट 4 पार्ट 3 पार्ट 2 उससे बता चुके हैं जनन तंत्र के अंतर्गत में 2 तरह के अंग होते हैं। जनन तंत्र के अंतर्गत में कितने अंग होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, एक प्राथमिक जनन अंग और दूसरा द्वितीय जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग उसे कहा गया है जो युग्मक का निर्माण करते हैं, प्राथमिक जनन अंग उसे कहा गया जो युग्मक का निर्माण करते हैं, और जो युग्मक का निर्माण नहीं करते हैं वे क्या होते हैं, सहायक जो होते हैं सिर्फ खाली जनन में, उसे द्वितीय जनन अंग कहते हैं। जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कि जो अंडाशय है जिसकी संख्या 2 है, एक जोड़ी है, ये बच्चों क्या करता है, अंडाणु का निर्माण करता है जिसको मादा युग्मक कहते हैं। तो मादा युग्मक को निर्माण करने की वजह से अंडाशय जो है प्राइमरी ऑर्गन्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्राइमरी ऑर्गन्स, जिसको आप कह सकते हैं प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक जनन, प्राथमिक जनन अंग अंडाशय जो है गर्भाशय से किसके मदद से जुड़ा हुआ रहता है, तो अंडाशयी शन्यायु, है ना, अंडाशयी शन्यायु, जिसको आप कह सकते हैं ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा, इंग्लिश में इसको ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। अब यह अंडाशय स्थित कहाँ होता है, अंडाशय स्थित कहाँ होता है, तो अंडाशय इसके ऊपर में अमाशय होता है, क्या होता है, अमाशय, कह सकते हैं उदर गुहा, उदर गुहा के जस्ट नीचे, उदर गुहा के जस्ट नीचे अंडाशय अगल और बगल में यानी पसर भाग में, पसर के मतलब ये होता है अगल और बगल, दाएं और बाएं, कहेंगे कि उदर गुहा में बाएं और दाएं साइड में गर्भाशय अंडाशय स्थित होता है, अंडाशय स्थित होता है। बच्चों फर्क यही है, बहुत बड़ा फर्क है कि नर जनन तंत्र में जो प्राइमरी ऑर्गन्स होता था, प्राथमिक जनन अंग होता था, वो बॉडी से बाहर होता था, उदर गुहा से बाहर होता था, लेकिन इसमें उदर गुहा के अंदर है, देख रहे कि उदर गुहा में स्थित है। थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा का विशेष अंतर कहिए, बहुत प्रमुख अंतर माना जाता है कि नर जनन तंत्र के जो प्राइमरी ऑर्गन्स था, प्राथमिक जनन अंग था, वो उदर गुहा से बाहर था, लेकिन मादा जनन तंत्र के जो प्राइमरी ऑर्गन्स है, प्राथमिक जनन अंग है, वो आपको उदर गुहा के अंदर में पाया जाता है। श्रोणि, श्रोणि क्षेत्र में ये जो है ना, ये अंडाशय, अंडाशय श्रोणि क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहता है, इस प्रकार से फैलोपियन नलिका से नहीं, श्रोणि क्षेत्र से जुड़ा रहता है। वो किसके मदद से, श्रोणि क्षेत्र में दोनों अंडाशय पीछे श्रोणि क्षेत्र से जुड़ा रहता है, उसको नाम है संस्पेंसरी शन्यायु, संस्पेंसरी, ये जो है ना ये वाला, इसका नाम है संस्पेंसरी शन्यायु, संस्पेंसरी लिगामेंट, संस्पेंसरी। कोई पूछेगा कि अंडाशय गर्भाशय से किसके मदद से, तब बताना है अंडाशयी शन्यायु, लेकिन अंडाशय श्रोणि क्षेत्र से, लिगा इससे नहीं, अंडवाइनल इसने श्रोणि क्षेत्र से किसके मदद से, कि संस्पेंसरी शन्यायु, संस्पेंसरी शन्यायु। एक बार फिर से आइए, मादा जनन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, बताना है एक जोड़ी अंडाशय, एक दो, ठीक है, एक जोड़ी अंडवाहिनी नली जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, 1 2, ठीक है, गर्भाशय या बचदानी, ये जो संरचना पूरा देख रहे हैं यहाँ तक, ये वाला संरचना यहाँ तक जो है ना, इसको बोलते हैं गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, हरा वाला भाग गर्भाशय ग्रीवा है, योनि यहाँ से लेकर यहाँ तक योनि हो गया। अच्छा,
और बाह्य जननेन्द्रियाँ इसी के अंतर्गत में यही आस पास में होता है, हम आगे बताएंगे जब प्रत्येक पॉइंट को बारी बारी से समझाना शुरू करेंगे तो उसमें बताएँ कि बाह्य जननेन्द्रियाँ कहाँ पर है और अस्तन ग्रंथि कहाँ पर है और बारथोली ग्रंथि कहाँ है। हम अभी चर्चा किए कि जो मादा जनन तंत्र के प्राथमिक जनन अंग है वो अंडाशय है। मादा जनन तंत्र के प्राथमिक जनन अंग कौन है? अंडाशय है। अच्छा, अब ये अंडाशय की लंबाई कितनी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर। और ये मोटाई कितना होता है? 1 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर बच्चों? 1 सेंटीमीटर। अंडाशय गर्भाशय से किसके मदद से जुड़ा हो रहता है? अंडाशयी संयायिक माध्यम से, अंडाशयी यानी कह सकते कि ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा। और ये अंडाशय श्रोणि क्षेत्र से किसके मदद से जुड़ा था? संस्पेंसरी संयायिक माध्यम से। अब जो है बारी बारी से, जैसे फर्स्ट हो गया एक जोड़ी अंडाशय, तो हम लोग अंडाशय के बारे में पढ़ेंगे, बढ़िया से समझाएंगे। इसके लिए धन्यवाद, मैं विदा लेता हूँ। मैं आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप